कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पार्टी के प्रवक्ता रहे संजय झा को कांग्रेस की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसी उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी अनुशासन तोड़ने के कारण किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मंगलवार को ट्विटर पर संजय झा को पार्टी से निलंबित करने का ऐलान किया। इससे पहले संजय झा ने ट्वीट करके सुझाव दिया था कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। पिछले महीने संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा दिया था। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच बीजेपी आज जयपुर में बैठक करेगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी और राज्य बीजेपी नेताओं के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट की बगावत को लेकर कांग्रेस खेमे में मची खलबली के बाद बीजेपी बैठक में आगे की रणनीति पर विचार करेगी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्थिति का जायजा लेने के लिए आज सुबह वरिष्ठ नेता ओम माथुर को जयपुर भेज दिया है। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम के पद से हटाने के बाद राजस्थान के गुर्जर बहुल इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर समेत कई जिले शामिल हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिला एसपी को अलर्ट किया गया है। सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद इंटेलिजेंस ने ऐसा इनपुट दिया है कि यहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। बिहार में बीजेपी दफ्तर में कोरोना ने एंट्री की ली है। यहां दफ्तर के स्टाफ समेत 75 नेता कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आई है। सोमवार को करीब 100 नेताओं का टेस्ट कराया गया था। इसके बाद बीजेपी दफ्तर को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। बिहार में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,000 के करीब है। देश में कोरोना के मामले 9,00,000 तक पहुंच चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर लौटता दिख रहा है। देश के कई शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो रहा है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में जहां सरकारी बस सेवा बंद कर दी गई है, वहीं पुणे, ग्वालियर, दक्षिण कर्नाटक में भी फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार ने भी 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। मरकज मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी के निशाने पर रहे मौलाना साद के करीबी अब्दुल अलीम के तार दिल्ली दंगे से जुड़ गए हैं। हिंसा के दौरान दंगे के मुख्य आरोपी राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारूक से घंटों बात करने के सबूत कॉल डिटेल्स में मिले हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अलीम से लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उसे आरोपी बनाकर क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करेगी। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अली मोहम्मद खान की ओर से लाया गया है। प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इससे संबंधित मसले भारत का अंदरूनी मामला है। बायकॉट चीन की मुहिम का असर ब्रिटेन तक पहुंच गया है। मंगलवार को ब्रिटेन ने चाइनीज कंपनी हुआई टेक्नोलॉजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद हुआई अगले 7 सालों तक ब्रिटेन में अपना 5G कारोबार नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कहने पर लगाया गया है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ले रहा है। हांगकांग को लेकर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रॉयल नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ चीन के नजदीक तैनात करने की योजना बन रही है। यह एयरक्राफ्ट करियर साउथ चाइना सी में जारी तनाव के बीच अमेरिका और जापान की सेना के साथ बड़े पैमाने पर इलाके में युद्धाभ्यास करेगा। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका की संघीय सरकार को इस साल जून महीने में इतिहास के सबसे बड़े बजट घाटे का सामना करना पड़ा है। सरकार को एक तरफ कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ा तो दूसरी तरफ लाखों नौकरियों के चले जाने का असर कर राजस्व घटा। अमेरिका के राजकोषीय विभाग ने सोमवार को बताया कि पिछले महीने घाटा बढ़कर $864 अरब पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा अमेरिका के इतिहास के कई वार्षिक घाटे से ज्यादा है। इससे पहले अप्रैल में अमेरिका को $738 अरब का मासिक घाटा हुआ है।